हेलो दोस्तों, तो चलिए हम प्रधानमंत्रियों की कड़ी में देखते हैं मोरारजी देसाई जी के जीवन परिचय के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने इंदिरा गांधी के बारे में देख लिया था। अब इस लेक्चर में बात करते हैं मोरारजी देसाई की बायोग्राफी। ठीक है, इनके व्यवसाय की बात करें तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। आपको बता दें, राजनीतिक दल इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी रही 1934 से वर्ष 1969 तक ये कांग्रेस पार्टी में शामिल रहे। कांग्रेस वो पार्टी, इसमें वर्ष 1969 से 1977 तक रहे। फिर आ गए जनता पार्टी में 1977 से 1988 तक। फिर ये आ गए जनता दल में 1988 से 1995 तक। ठीक, तो याद रखिए, पहले कांग्रेस में रहे 34 से 69 तक, फिर कांग्रेस वो पार्टी में रहे 1969 से 77 तक, फिर जनता पार्टी में रहे 1977 से 88 तक, और जो जनता दल है इसमें 1988 से 1995 तक रहे। राजनीतिक यात्रा की बात करें इनकी, तो वर्ष 1931 में वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने। वर्ष 1937 तक वह गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। वर्ष 1937 में वह कांग्रेस सरकार के अंतर्गत राजस्व, कृषि, वन, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री रहे। वर्ष 1946 में राज्य विधानसभा के चुनाव के बाद वह मुंबई में गृह एवं राजस्व मंत्री बने। 1952 में वह मुंबई के मुख्यमंत्री बने। 14 नवंबर 1956 को वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 22 मार्च 1958 को उन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वर्ष 1967 में वह इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के रूप में शामिल हुए। वर्ष 1971 में उन्हें संसद सदस्य के रूप में चुना गया। 1977 में 24 मार्च 1977 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हम उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं, तो इनका जन्म हुआ जो 29 फरवरी 1896 में, 29 फरवरी 1896। जन्म स्थान है इनका भदेली, बम्बई प्रेसिडेंसी, और इनकी मृत्यु हुई 10 अप्रैल 1995 में। इनकी मृत्यु स्थल है भदेली, बम्बई। मृत्यु का कारण रहा है स्वाभाविक मृत्यु। समाधि स्थल है इनका भदेली, बम्बई, भारत में। आयु थी इनकी मृत्यु के समय 99 वर्ष। राष्ट्रीय भारतीय भारतीय, और इनके हस्ताक्षर ये हैं। ठीक, गृह नगर की बात करें तो भदेली, बम्बई प्रेसिडेंस में। स्कूल विद्यालय की बात करें तो सौराष्ट्र कुंडला स्कूल, सावर कुंडला मुंबई में। वाई हाई स्कूल वलसाड़ बम्बई में। महाविद्यालय की बात करें जिसमें इन्होंने पढ़ाई की, तो विल्सन कॉलेज बम्बई। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये स्नातक थे। इनके परिवार की बात करें तो पिता का नाम था रण छोड़जी देसाई, ये अध्यापक थे। माता का नाम था वाजी बहन देसाई। भाई ज्ञात नहीं और बहन ज्ञात नहीं है, पता नहीं। धर्म से हिंदू थे, ब्राह्मण जाति के थे। पुरस्कार की बात करें तो 1991 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 19 मई 1990 को उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निशान ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रेम संबंध एवं अन्य जानकारियां, विवाह एक स्थिति, विवाह पत्नी गुजराबेन देसाई, विवाह की तिथि है 1911 में। बेटा इनके क्रांति देसाई, बेटी कोई नहीं थी। ठीक, ये इनकी पिक्चर हो गई, फोटो। मोरारजी देसाई से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां, रोचक जानकारियां देखते हैं। मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात की बॉम्बे प्रेसिडेंस में वलसाड़ जिले के भदेली गांव में एक अनावील
ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता भावनगर सौराष्ट्र के एक स्कूल में अध्यापक थे। वह अवसाद से पीड़ित थे, जिसके चलते उन्होंने कुएं में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उन्होंने बम्बई से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई प्रोविंशल सिविल सर्विस हेतु आवेदन करने का मन बनाया, जहां सरकार द्वारा सीधी भर्ती की जाती थी। जुलाई 1970 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला लिया, जहां उन्हें ब्रिटिश व्यक्तियों की भांति समान अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हुई। वहां रहते हुए मोरारजी अफसर बन गए और मई 1918 में वह परिवीक्षा पर बतौर उप जिलाधीश के रूप में अहमदाबाद पहुंचे। वर्ष 1927-28 के गोधरा दंगों के समय उन पर पक्षपात करने का आरोप लगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने वर्ष 1930 में गोधरा के उपयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया। 1930 में जब भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आजादी का संघर्ष अपने चरम सीमा पर था, तो उसी समय उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निश्चय किया। वर्ष 1931 में वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने और 1937 तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। वर्ष 1937 में जब पहली बार कांग्रेस सरकार ने कारभार संभाला, उस समय मोरारजी देसाई राजस्व कृषि वन एवं सहकारिता मंत्रालय के मंत्री बने। अगस्त 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। 12 मार्च 1975 को मोरारजी देसाई ने गुजरात के नव निर्माण आंदोलन के समर्थन में आमरण अनशन शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के वर्ष 1971 के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। तब विपक्ष ने एकजुट होकर उनके खिलाफ इस्तीफे की मांग की और देश में आपातकाल लागू कर दिया। 23 मार्च 1977 को उन्होंने 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री पद का दायित्व ग्रहण किया। 28 जुलाई 1979 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 83 वर्ष की आयु में राजनीति को अलविदा कह दिया। मोरारजी देसाई ने पड़ोसी देशों पाकिस्तान चीन से रिश्ते सुधारने की दिशा में भी काम की। उन्होंने चीन के साथ राजनयिक संबंधों को बहाल किया और इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किए गए बहुत से असंवैधानिक संशोधनों को मूल रूप में वापस किया। उन्होंने खुफिया एजेंसी रो को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान करने वाली एजेंसी बताया था। साथ ही यह कहा, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो इस एजेंसी को निरस्त कर देने का वादा करता हूँ। वर्ष 1979 में राजनारायण और चरण सिंह ने मोरारजी देसाई को राजनीति से रिटायर होने के लिए मजबूर किया था। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शराब पर पाबंदी के अलावा कई सारे सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कदम उठाए थे। 16 जनवरी 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बड़े नोटों 1000 5000 10000 के नोटों पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि तब देश की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं थी। 10 अप्रैल 1995 को 95 को मुंबई में उनका निधन हो गया। 10 अप्रैल 1996 को भारत सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये है वो डाक टिकट। मोरारजी देसाई महात्मा गांधी के सिद्धांतों और नैतिकता के सख्त अनुयायी थे। चलिए, तो ये है मोरारजी देसाई जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।